तो नेक्स्ट ईयर होने वाला है एक बार फिर से WWE का रॉयल रंबल का शो, और नेक्स्ट ईयर होने वाला है रॉयल रंबल 2022। 30 मेंस रॉयल रंबल मैच हमेशा एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चीज रहती है रॉयल रंबल में, लेकिन ब्रॉक लेसनर की क्या प्लान्स होने वाले रॉयल रंबल 2022 को लेकर, रिसेंटली इसको लेकर कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज आ चुकी है निकलकर सामने। एक छोटी सी वीडियो होने वाली, लेकिन हम लोग ये मेन अपडेट करने वाले हैं कवर कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, हमने देखा अभी फिलहाल जो क्राउन ज्वेल का शो होने वाला है वहां पर लेसनर और रोमन रेंस का आमना सामना होगा। अब माना जा रहा है कि मे बी यहाँ पर टाइटल चेंज तो हो सकता है, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि जो रोमन रेंस है वो टाइटल रिटेन करेंगे और WWE जो इनका फ्यूड है वो हमें और ज्यादा लंबा ले जाती हुई नजर आएगी। और अगर मैं बात करूँ 30 मेंस रॉयल रंबल मैच की बेटिंग ऑड्स के बारे में, अभी फिलहाल जो रिसेंट टाइम में बेटिंग ऑड्स आए थे सामने, उनके अकॉर्डिंग जो लेसनर और सेथ रॉलिंस है दोनों की जो बेटिंग ऑड्स हैं एकदम इक्वल में, एकदम बराबरी में, कि दोनों के चांसेस पूरे तरीके से बराबर है कि वो हमें 30 मेंस रॉयल रंबल मैच को जीतते हुए नजर आए। अब जो फैंस है मेरे हिसाब से, अगर लेसनर जीत जाते 30 मेंस रॉयल रंबल मैच तो उसे कोई दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि भाई अगर रोमन इस टाइम चैंपियन रहते तो एक और मैच रोमन वर्सेस ब्रॉक के बीच हमें रेसलमेनिया के अंदर दिखाई देगा। लेकिन रिसेंटली इसको लेकर कुछ अपडेट्स आती हैं सामने रिंग साइड न्यूज की तरफ से, और रिंग साइड न्यूज ये बात कंफर्म करते हुए फिलहाल जो उन्हें बातें पता लगी हैं उनके अकॉर्डिंग लेसनर रॉयल रंबल 2022 की एक सेंटर अट्रैक्शन होने वाले, एक सेंटर पीस होने वाले हैं जिससे रॉयल रंबल का शो पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। जिन लोगों ने नहीं पता, WWE में फिलहाल ये उम्मीद लगाई बैठी है कि जो रॉयल रंबल 2022 होने वाला है वो समर स्लैम जैसा बड़ा शो होने वाला है, वहां पर वो 40,000 से ज्यादा ऑडियंस बुलाने के बारे में सोच रही है, जो कि सही में क्रेजी होने वाला है। क्या आप उम्मीद करोगे 40,000 ऑडियंस काउंटडाउन कर रही है 3, 2, 1 रॉयल रंबल के जो काउंटडाउंस है वो जो गूज़बम्प देते हैं ना अंदर से, वो अलग लेवल के होते हैं कि भैया अब कौन आने वाला है, अब कौन आने वाला है। और WWE लेसनर का इसलिए एकदम भरपूर वे में यूज करने वाली है। इवन जो रिसेंटली पोस्टर आया सामने प्री सेल की टिकट्स का, वो आप लोग देख पा रहे, चैनल पर मैंने पहले भी दिखाया था कि लेसनर यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में एकदम सेंटर में लगे हुए हैं। हमें लेफ्ट एंड राइट साइड में बियांका बिलेयर, बेकी लिंच वगैरह दिखाई दे रही है, बिगी हैं अपने, और लगा ऐसा रहा कि जो WWE और रोमन रेंस के साथ साथ जो लेसनर है उनका भी भरपूर यूज करने वाली रॉयल रंबल 2022 के शो में। और हाँ, माना ये भी जा रहा है कि रॉयल रंबल 2022 के अंदर भी आप एक और टाइटल मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉक वर्सेस रोमन हो जाए क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के बाद सीधा रॉयल रंबल 2022 में। अब रॉयल रंबल के अंदर ये चीज नहीं होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें 30 मेंस रॉयल रंबल मैच है उसके अंदर जो लेसनर है पहले से अपनी एंट्री अनाउंस करते हुए नजर आए कि भाई वो जीतने वाले हैं और एक बार फिर से वो जाने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। कुल मिला के लेसनर एक तगड़े वे में बुक किए जाएंगे। अब क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो तो आने वाले टाइम में और क्लियर होंगी, लेकिन एक मैच या फिर रॉयल रंबल के अंदर पार्टिसिपेशन और उसको जीतना, ये कुछ चीजें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी भाई जरूर जो क्राउन ज्वेल 2021 का रिजल्ट होने वाला है वो इसके ऊपर सीधा इंपैक्ट डालेगा। सोचो अगर लेसनर न्यू चैंपियन बन गए तो क्राउन ज्वेल के अंदर, आई मीन सॉरी क्राउन ज्वेल के बाद जो रॉयल रंबल का शो होने वाला है, ऑफकोर्स वहां पर फिर वो 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में इंक्लूड होंगे अगर वो टाइटल हार जाते रॉयल रंबल 2022 से पहले, वरना वहां पर उनका टाइटल डिफेंस होने वाला है। मजा काफी आएगा, लेकिन ये कुछ अपडेट अभी जो कि फिलहाल मैं आपको बता सकता हूं। मैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा हूं। बाय द वे, आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो ये पसंद, आप लोग कर देना नीचे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की एंड फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।